पास है, सीक्रेट पास है, यहाँ पर आए हुए हैं भाजपा कार्यालय पर। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हमारे पास योग्य कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आज हमारे पास योग्य कैंडिडेट है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं है। सरकार ने 51,112 पद खाली होने का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिसका मैं डेटा आप सबको दिखा सकता हूँ, जो कि पद खाली है, लेकिन सरकार ये देखिए 51,112 पद, लेकिन कहीं भी भर्ती जारी विज्ञापन नहीं किया जा रहा है। हम लोग शिक्षा मंत्री के निवास में जाते हैं तो वहां से हटा दिया जाता है, कहता है विज्ञापन आ जाएंगे, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं होता है। हम सभी प्रशिक्षित की एक ही मांग है, जल्द से जल्द चुनाव होने से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन में आए हुए हैं, और इसी प्रकार से हमारे सभी प्रशिक्षित भाजपा के एक एक प्रतिनिधि के पास जा रहे हैं और एक एक कार्यालय जाकर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात नहीं पहुंच रही कि देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। हम लोग 21 लाख से अधिक प्रशिक्षित हैं, लेकिन कोई भी कहीं भी शिक्षक भर्ती का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। हमें सिर्फ चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जल्द से जल्द जारी की जिक्र नहीं किया जा रहा है हमें सिर्फ चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जल्द से जल्द जारी की जाए। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में हमारे पास दूसरा विकल्प है। अभी आज क्या करेंगे? आज हम लोग जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारे यहाँ प्रतिनिधि नहीं आ जाते हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए हमारी जो टीम गठित की जाएगी उसको मिलने के लिए आदेश नहीं मिलता है, हम लोग यहाँ से उठने नहीं। और लखनऊ में हमारी टीम इको गार्डन में बैठी